नमस्कार, स्वागत है आपका पीबी न्यूज में। सिरसा में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आज सिरसा में 70 नए कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं। 22 स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। सीएमओ डॉक्टर सुरेंद्र नैन ने दी जानकारी। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता आए कोरोना पॉजिटिव। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 26 अगस्त से शुरू होना है। इसकी पुष्टि पंचकुला की सीएमओ डॉक्टर जसजीत कौर ने की है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आज पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर के आवास पर पहुंचे और उनकी नानी माँ व पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की धर्मपत्नी बिमला देवी शर्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया। जहां आशा वर्करों ने कोविड-19 में अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों के घरों में जाकर उन्हें जागरूक किया, वहीं 7 तारीख से धरने पर बैठी आशा वर्करों ने अपनी मांगों को लेकर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के आवास पहुंचकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हमारा धरना अनिश्चित काल तक चलेगा। कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर, विधानसभा अध्यक्ष के अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट कर दी जानकारी। ज्यादा अपडेट के लिए बने रहे पीबी न्यूज। धन्यवाद।